हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आप लोगों के सामने एक नया घरेलू नुस्खा लेके आया हूँ। तो ये नुस्खा उन लड़कियों के लिए है जिनका अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है, जिन्हें प्रेग्नेंट नहीं होना है। तो प्रेगनेंसी को रोकने का सबसे आसान तरीका मैं लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इसे अपना सकें और अपने प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकें। ओके फ्रेंड्स, और पीरियड्स अगर नहीं आ रही है तो ये पीरियड्स आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आइए नुस्खे को स्टार्ट करते हैं। इस नुस्खे को में आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए। पहला है लहसुन, देख सकते हैं आप, इसे एक एक करके अलग कर लीजिए और अलग करने के बाद इस तरह आप इसे छील लीजिए। तो जब आप छील लीजिएगा तो आपको लेना कितना है, ज्यादा नहीं लेना है आपको, 4 कली। ऐसे ऐसे छील के आपको 4 कली लेना है, 1, 2 और 2, 4। 4 कली लेना है। 4 कली को आप मुंह में रख लीजिए और इसे अच्छे तरह से चबा के खा जाइए। एकदम चबा के खाना है, एकदम टाइम लेके चबाना है। थोड़ा मुंह लहरेगा लेकिन आप इसे चबा के खाइएगा तो आपकी प्रेगनेंसी को रोकने में ये कामयाब है और पीरियड्स आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसे चबाने के बाद, चबा के खा जाने के बाद आप ये लीजिए, ये है इलायची। इलायची को आप ऐसे छील लीजिए और इसका नीचे का जो है काला वाला, ये आप ले लीजिए। इस तरह आपको 2 इलायची लेना है। कितना लेना है दोस्तों? 2 इलायची। 2 इलायची को ऐसे ले लेना है और इसे लहसुन के खाने के बाद आप इसे भी चबा के खा जाइए। लहसुन को खाने के बाद आप इसे भी चबा के खा जाइए। इससे आपका मुंह का स्वाद भी चेंज हो जाएगा और ये प्रेगनेंसी को रोकने में और पीरियड्स को लाने में बहुत लाभदायक होगी। ओके फ्रेंड्स, इसे तुरंत कर लेने के बाद, लहसुन जैसे खाते हैं उसके तुरंत खाने के बाद आप इलायची खाइए। इलायची को तुरंत खाने के बाद, रस्सी होता है दोस्तों जो कि हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो उसे आप रस्सी 20-20 बार करके 2 बार 3 बार आप कूद लीजिए रस्सी से, तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा और बॉडी भी नॉर्मल रहेगी और आपकी पीरियड्स भी आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, यही था आज का नुस्खा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों।